Hey everyone, what's up? It's me, Nabeel Saad, and Zishu. If you're watching me for the first time, don't forget to hit the subscribe button and make sure that you hit the bell icon that you will never miss new videos. So, आज की वीडियो में हम ना थोड़ी सी जर्नी और थोड़ी सी मोटिवेशनल बातें करने वाले हैं, थोड़ा सा यानी के अपना अपने करियर्स के बारे में भी और जर्नी यानी ओवरऑल हार नहीं माननी है बिल्कुल हार नहीं माननी, जिंदगी से नहीं हार, धमाका लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें लेकर आ रहे हैं, होप है कि आप मजे करें एंड पे इनकी शादी भी करवाएंगे। ये पहली बकवास। अगर आपको मेरे बालों का न्यू स्टाइल पसंद आ रहा है तो बताएं। ये क्वारंटीन में ऐसा हो जाता है बंदा, अगर मेरा अच्छा लग रहा है तो ये मैंने सेल्फ कटिंग की। आप लोग भी काट सकते हो घर में, बाल इतना मुश्किल नहीं है। मैंने बस मशीन यहाँ से उठाओ, ऐसे 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 फिर ऐसे पाकिस्तान का बात खत्म। बंदे की जिंदगी ना, हमारी जिंदगी यार आंखों के सामने गुजर जाती है। मींस अगर मैं अपनी जिंदगी का भी फ्लैशबैक देखूं ना तो लाइक यही है, हम लोग एक दिन ऐसे ही भुड़क जाना हम लोगों ने ऐसे। तो ये तो रियलिटी है ही है। और मैं भी वैसे ना, मेरी लाइफ ऐसी ही है, मेरे पास मेरे पुराने जो पुराने कैमरे होते थे ना, जो ये वाले कैमरे होते थे, उस तरह के कैमरों पे मेरी वीडियोस पड़ी है मेरे पास। जब मैं ऐसे ही, मेरा क्या होता था, चादर लेके ना ऐसे ही बिला वजह, मेरे बचपन में ना ये सांस भी कभी बहू थी और कसौटी जिंदगी के टाइप ड्रामे बहुत आते थे, तो मिस्टर बजाज बन के आई बिला वजह कोट पहन के ना मिस्टर बजाज बन के फिरता रहता था मैं। 300 करोड़ उसके बैंक में ट्रांसफर करता, ये बातें रिकॉर्ड की हुई है मैंने अपने बचपन के कैमराज में। मैं बहुत कैमरा फ्रेंडली हूँ, था बचपन से, और मेरे बहुत सारी फुटेज में बस पड़ी है, वो बात लगता है कि अब ढूंढनी मुश्किल है, लेकिन कि मैं कभी ना कभी जिंदगी में अपनी लाइफ जर्नी व्लॉग लाजमी बनाऊंगा। पुरानी वीडियोस को छोड़ अपनी स्ट्रगल और अपनी सारा जो भी, कोई कुछ भी कर सकता है अपनी जिंदगी में। ये कभी मत सोचो कि यार मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, मेरे पास अच्छी क्वालिटी की वीडियोस बनाने की चीजें नहीं है, अच्छा लैपटॉप नहीं है, अच्छी लाइटिंग नहीं है। ये चीजें अगर आप सोचते रहोगे ना तो कभी कुछ नहीं हो सकता। तो ये चीज को खत्म करो और इससे आगे बढ़ो, जो है उसका जो होता है करो। और मैं बीइंग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए मैं एक चीज बताता हूँ। मैंने स्टार्ट मेकिंग यूट्यूब वीडियोज, और उससे पहले जब मैंने डब स्मैश वीडियोज बनाना स्टार्ट की थी, मेरे पास बहुत ही चीप क्वालिटी का मोबाइल फोन होता था और उसको मैं कार्डबोर्ड के डब्बों के ऊपर रख के बैलेंस करके वीडियो बनाता था, और स्टार्टिंग में वो बनाता था, उससे लोगों को पसंद आनी शुरू हो गई। बॉलीवुड तक इवन दो के काफी बड़े स्टार्स उसको रीट्वीट करते थे, क्योंकि जिस टाइम मैं करता था कोई भी नहीं करता था। ये इट्स लाइक 2014 की बात है ये। देन स्लोली स्लोली म्यूजिकली आया, फिर टिकटॉक आ गया, अब तो सारी दुनिया इस चीज में घुसी पड़ी है, तो मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता हूँ ट्रेंड्स को फॉलो करना। बहरहाल जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको ये डरना नहीं है और ये नहीं करना कि यार मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, क्योंकि परफेक्ट डे कभी भी नहीं आता। आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास सब कुछ कंप्लीट हो गया। आपके पास सबसे अच्छा कैमरा भी होगा ना तो आप बोलोगे मेरे पास सबसे अच्छी लाइट नहीं है, आपका सबसे अच्छी लाइट होगी तो आप बोलोगे यार मेरे पास सबसे अच्छा ऑडियो ट्रांसफॉर्मर नहीं है, ऑडियो माइक नहीं है। सो इस तरह की चीजें आती रहती हैं, तो इससे आगे बढ़े, जो है आपके साथ उससे जो मर्जी करें। और यही सजेशन मैं इसको भी देता हूँ शुरू से। बताओ थोड़ी सी तरीक कर दो मेरी बहुत नहीं नहीं वैसे ओवरऑल सही बात जो ओ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर। किस बात पे? किसी भी बात पे जो तुझे यानी कि जिस तरह मोटिवेट बात कर रहा हूँ उस पर। हाँ, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो जब मैं 15 दिन पहले नहीं मैं छोटा छोटे होते से ना, मेरे में कीड़ा नहीं होता डांसिंग का कि जो डांसर बनना है ये वो, मतलब मेरे पास वीडियोस पड़ी है मेरी डांसिंग की, वो मैं आज देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है कि मैं कैसा डांस करता होता था। और मैं सबको कहता था कि आई वॉन्ट टू बिकम अ बिग, मतलब सक्सेसफुल डांसर, या मतलब आई वॉन्ट टू बिकम अ डांसर, कि मैं सही डांसर बनना चाहता हूँ। और वो मैं वीडियो देखता था कि मैं ये डांस करके वीडियो कहता होता था कि मैं डांसर बनना चाहता हूँ। लेकिन एक वो होता है ना कि अपने आप का दिल छोटा नहीं करना, और उसमें उस टाइम में जो पावर होती थी, जज्बा होता था कि यार करना, लोग जो मर्जी के करना है, अपना शौक है करना, जैसा मर्जी करें करना अपने लिए है। तो वहां से मैंने अपना स्टार्ट किया था सेल्फ बिलीव। तो जैसे ये बता रहे हैं कोई भी मूवी उन्होंने देख ली ना, मेरे साथ अभी भी ये होता है सीन। अच्छा, लिटरली अभी भी ये सीन होता है। अभी मैं कोई मूवी देखूंगा ना, जैसे कि कल मैंने अभी रात को मूवी देखी जुमांजी, तो मैं वो मूवी देखने के बाद वही करेक्टर बन के फिर रहा हूँ। तो ये तो मतलब उसी टोन में, उसी मतलब एक्सप्रेशन में, तो ये चलता है मेरे साथ। और जब मैं ये टिकटॉक या ये सोशल मीडिया पे आने से पहले मेरी इनसे काफी बात होती थी, फेस टू फेस नहीं, ये अपने लाइव आते होते थे म्यूजिकली पे,
तब मैं इनसे बात करता होता था कि मैं इस तरह हूँ। असल में पता है मेरे भाई को जानते थे। मैं बताता हूँ, एक थोड़ी सी मैं बात काटना चाहता हूँ। व्हेन आई वाज गोइंग टू स्टार्ट माय करियर, जब मैं शुरू कर रहा था, यानी कि जिस लेवल पे ये अपना टाइम बता रहा हूँ, उस टाइम पे जब मैं था, तो मुझे समझ नहीं लग रही थी मैं क्या करूँ। और जिस टाइम में मैं करना चाह रहा था ना, उस टाइम में सोशल मीडिया क्रेज था ही नहीं। ये बैक 2011 की बात है, जब से मैंने प्लानिंग करनी स्टार्ट की थी कि मैंने, उस टाइम पे ये हमारे यूट्यूब भी बैन थी, यूट्यूब पाकिस्तान में नहीं चलती थी। तो खैर, मुझे कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था। तो मुझे याद है मैंने दो बंदों से गाइडेंस ली है। एक तो इनडायरेक्टली गाइडेंस ली है, वो मैं बाद में बताता हूँ। पहली गाइडेंस जो मैंने ली है वो बॉलीवुड के, इंडिया के गौरव गेरा हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं। वो उस टाइम में चुटकी की वीडियोस बनाते थे, उन्होंने स्टार्ट की थी बनानी, तो मैं उनकी वीडियोस देखता था। तो मैंने उनसे एक दो बार पर्सनली बात हुई मेरी, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ, स्टार्ट करना चाहता हूँ, कैसे करूँ। तो उन्होंने सजेशन दिया कि ऐसे ऐसे करो अपना, यानी कि जो मिलता है उससे करो, ये मत सोचो कि लैपटॉप पे ही एडिट करना है या इधर करना है, मोबाइल में जो गंदा मंदा सॉफ्टवेयर होता है उससे कर लो, जो मर्जी करो करो, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। मैन एक मैंने उनसे इंस्पिरेशन ली, दूसरी मैंने इनडायरेक्ट इंस्पिरेशन ली जैद अली से। वो इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं जैद अली को टॉन्ट कर रहा हूं, लेकिन मैंने जब जैद अली की वीडियो स्टार्टिंग में देखी थी, तो मैंने बोला यार ये तो मैं भी कर सकता हूं, और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है किसी को कॉपी करना। इंसानी फितरत यही है कि हम कॉपी करके सीखते हैं। हम बच्चा जो बचपन में जब उस रोता है ना, उसको दूध मिलता है तो उसको पता चल जाता है कि मैं रोऊंगा तो मुझे दूध मिलेगा, तो नेक्स्ट टाइम रोना शुरू कर देता है। ये हमारा नेचर है बचपन से, और ये बचपन से नहीं, ये ह्यूमैनिटी का नेचर है, इंसानों का नेचर है सीखना नकल करके। बच्चा अपनी माँ को देख के सीखता है, अपने बाप को देख के चलना सीखता है कि वो चल रहे हैं मैं भी चलूं, तो ये चीज होती है। तो मैंने कहा कि जब जैद अली कर सकता है तो मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे आपने जैसे मैंने पहले बोला सेल्फ बिलीव, अपने में सेल्फ बिलीव इतना था कि मेरी एक्टिंग स्किल्स ज्यादा अच्छे हैं। तो एक तो वो हो गया, और एक और बंदे ने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया था, मूरू, जिनकी ये बात, तैमूर सलाउद्दीन, उस टाइम उनका मैं मुरू से ही जानता था उस टाइम में, क्योंकि मुझे उनका असली नाम नहीं पता था जिस टाइम में मेरी बात हुई थी। इन्होंने बनाई थी एक वीडियो फुरकान शेख के साथ, और फुरकान शेख से भी मेरी बातचीत होती रहती है, अच्छे भाई हैं वो भी हमारे। तो फुरकान शेख के साथ उन्होंने एक बनाई थी वीडियो, बाजी मत बोलना, चाहे याद हो, एक वो बशरे मोमिन वाली हीरोइन थी उसमें, मुझे नाम नहीं याद है। तो मैंने उस वीडियो को एज अ बेस रख के ना सेम उस टाइप की वीडियो बनाई थी, और मैंने फिर तैमूर सलाउद्दीन को सेंड की थी कि मैंने ये, आई एम अ लर्निंग आर्टिस्ट एंड आई एम ट्राइंग टू लर्न एडिटिंग, तो मैंने ये आपके वीडियो को बेस रख के वीडियो बनाई है, कैसी लगी। तो उन्होंने काफी मुझे सपोर्ट किया था उस टाइम में, तैमूर सलाउद्दीन ने। तो ये तीन चार वाक्य हुए, फिर देन कॉन्फिडेंस आ गया थोड़ा सा, देन रेस्ट इज द हिस्ट्री। चलो ओवर टू यू, तुम अपने बात कर रहे थे कि तुम नेट पे मुझसे मुझे टोक के कहा था इस बंदे ने, तो थोड़ी सी बात करनी वो याद आ गई ना मुझे, यही तो लाइफ है, यही तो कहानी है। तो मैं वहां से बात बता रहा था कि मेरी इनसे बात होती होती थी, तब मेरी इनसे इस तरह बात नहीं होती थी कि मैं इनसे किसी काम के मुतालिक बात करता था, जस्ट लाइक के एज अ फैन, कैसे एज अ, नहीं कह दे जस्ट लाइक एज ए इंस्पायर्ड बाय किसी से हो वगैरह, के जी बंदा ये कर सकता था, हम भी कर सकते ये चीज, यही चीज चाहिए। तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अगर फैन की बात की जाए ना, तो मैं अभी तक किसी का इतना फैन नहीं हूँ। सही बात है, मैं भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। फैन अपने माँ बाप को होना चाहिए। फैन पता है क्या, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, फैन होता है इंस्पिरेशन ले लो। फैन बंदा सिर्फ उसको हो सकता है जो आपको लगे कि वो मुकम्मल आपके लिए, नहीं मुकम्मल एक पर्सनैलिटी है वो बंदा, मुकम्मल पर्सनैलिटी कोई भी नहीं है दुनिया में। और इससे मुझे ना जुल्कनैन की एक बात याद आ गई, मैं उसका एक इंटरव्यू देख रहा था, जुल्कनैन बहुत अच्छा, देखा था, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, वो बहुत जबरदस्त बंदा है, वन ऑफ द स्वीटेस्ट टिकटॉकर है मेरे हिसाब से, काइंड हार्टेड बंदा है, बहुत काइंड हार्टेड बंदा है, टैलेंटेड तो है ही है, काइंड हार्टेड बहुत बंदा है। मैं मुझे दो तीन वाक्य याद है, कभी जिंदगी में आगे शेयर करेंगे, जब पहली बार हम मिले थे तो खैर वो कभी और जिंदगी में शेयर करेंगे। तो बहुत काइंड हार्टेड बंदा है, उसका एक इंटरव्यू देखा था कि मुकम्मल शख्सियत, मुकम्मल जो पर्सनैलिटी है ना, वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, तो वो उनका फैन हूं, तो वो वाकई वो सारे हम, हमारा हक बनता है उनका, बिल्कुल है मुकम्मल पर्सनैलिटी, सादिक एंड अमीन तो वही है, उनके अलावा कोई भी नहीं है जो भरे पड़ते हैं। बहरहाल तुमने इंस्पिरेशन ली थी मुझसे, हाँ इंस्पायर्ड मैं होता रहता हूँ, मैं इनसे भी इंस्पायर हुआ था, मैं जिस तरह जिन जिन के नाम बताए हैं,
अच्छा मैं बताता हूँ, मैं मेरा दोस्त है यहाँ पे उमर, आपने हमारे साथ अक्सर देखा होगा, फिर लॉग लेके आता है अपना, तो उसके साथ होता था, मैं उससे ना बात करता था, वो भी टिकटॉक बनाता होता था, तो मैं कम था, तो मैं कम था, तो मुझे उसने बताता होता, कहता यार ये समी है, समी इनका जो छोटा भैया है काफी अच्छा दोस्त है, हाँ प्रोप, तो ये हम कुछ BFFs हैं, मैं समी उमर शहरोज, ये हम काफी ना BFF हारिस, तो हम काफी ये बोलो ये फिर से दे सारा नहीं नहीं तो हम ना काफी अच्छे BFFs हैं, BFF हैं, घटिया बेस्ट फ्रेंड्स हैं फॉरएवर। फॉरएवर दिखा था मैंने पिछले हफ्ते। अच्छा तो मैं उमर के पास अक्सर आता था ना, तो मुझसे कहता होता था यार ये समी का भाई है, मैंने कहा था हाँ वही, मैंने अक्सर देखा है वो चड्डी में बाहर फिर रहा होता है वही, तो नहीं नहीं मैं चड्डी में बाहर फिरता, मेरे घर चड्डी में आ सकता तुम, गाय घर से बाहर नहीं चड्डी में फिर सकता, तो मैंने कहा अच्छा यार मैं देखूंगा, फिर मैंने उसके बाद मैंने इंस्टॉल की थी म्यूजिकली, तो म्यूजिकली फिर एक दिन ये लाइव बैठे हुए थे, तो मेरी इनसे बात ऐसे शुरू हुई, मैंने इनको बताया कि मेरा बड़ा भाई अक्सर ऐसे पढ़ा पुड़ता पुड़ता होगा शायद, पुड़ता पुड़ता फिर उन्होंने कहा कि हाँ स्कूल क्लास, फिर मैंने कहा था लेट्स मीट, फिर भी मैं मिला नहीं था, फिर भी नहीं मिला, गुरूर बंदे का नहीं, गुरूर नहीं था भाई, मैं आउटडोर था, आउटडोर यानी कि मैं लाहौर था, चलो जहां पे, लेकिन मस्जिद में जुमे के बाद मिल गए थे हम, हाँ एक दिन हम मस्जिद में मिले थे, काला कुर्ता पहने, काला कुर्ता पजामा, तो वहां पे मुझे ये मिले थे, मैंने उनसे काफी बात की, फिर इसने मुझे बताया कि यहां है, कहा कि मेरे घर ना इनवाइट इनविटेशन ही नहीं मिला मुझे, तो मैं वैसे पता ही रहता था, तूने मुझे बोला उस टाइम पहचाना, मैंने कहा सलमान के भाई हो, नहीं उस दिन बात हुई थी ये वो, फिर तूने रिमाइंडर दिया था आगे, तो फिर उन्होंने कहा ओहो आई एम बिग फैन ऑफ यू, जैसे भी चलता रहा सिस्टम, नहीं मैंने कहा थैंक यू फॉर सपोर्ट, तो फिर उसके बाद मेरा इनका ऐसे ही चलता रहा, नहीं फिर इसने बोला, नहीं फिर इसके बड़े भाई सलमान ने मुझे बोला कि इसको बड़ा इंटरेस्ट है, इसकी थोड़ी सी गाइडेंस कर दो, तो मैंने फिर आगे उस टाइम में मेरे साथ पता क्या होता था, मैं हकलाता था, डरता नहीं, हकलाता और डरने की बात नहीं है, ये बिल्कुल एक अलग चीज है, वो तो एक ऐसा चीज होती है, वो सभी के अंदर होता है फियर, हां होता है सब में होता है, आप किसी चीज से डरते हो ना तो वो होती है लोगों की बातें, जो इन्होंने मुझे समझाया था कि कुछ फर्क लोग बोलेंगे। जाने दो। मेरे साथ ऐसे होता था, मैं कभी भी कोई वीडियो बना देता था ना, अगर मेरे को किसी एक फैमिली मेंबर या किसी के पास भी ऐसे पहुंच जाता जो मेरे टॉन्ट करने लग जाता था आगे से, या मुझे कोई ऐसे बातें लगाता था, तो उससे मैं डिसहार्ड हो जाता था कि नहीं करता ये वो, घर से बातें सुनने को मिल रही, मेरी मम्मा ने मेरे भाई ने काफी सपोर्ट किया मुझे, मतलब भाई कभी गुस्से में कह देता है कि नहीं, लेकिन वो मेरी बात समझता है कि हाँ भाई जिस फील्ड में ये है ना वो फील्ड है कुछ, मम्मा भी मुझे काफी सपोर्ट करती हैं, तो जिस तरह और फैमिली मेंबर्स भी होते हैं जिनको निकालना होता है बस अपना के क्यों कर रहा है ये, तो अब उनको नहीं पता, वो कहते हैं मैं भी उनको कह देता हूँ ठीक है, अब मेरे साथ सिचुएशन ये है कि अब मैं कुछ ऐसा मेरे में फियर नहीं है, तो मैं सिंपली मुझे कुछ कहता है ना तो मैं अच्छा जी कहता हूँ, जुबान नहीं चलाता बिल्कुल भी, और आपको भी अपने बड़ों के आगे जुबान बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए, अगर आपको लगता है कि वो कहीं सही बात पे आपको रोक रहे हैं तो रुको, और अगर आपको लग रहा है कि वो यार पता है क्या, मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, बड़े बुजुर्ग भी ना इंसान होते हैं, इंसान होते हैं, हम भी बड़े होंगे, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा आप सही हो या दूसरा गलत हो, पैमाना बराबर हो जाता है कभी कभी, तो जब अगर आपको लग रहा है कि आपका बड़ा कोई आपसे कोई बात कर रहा है वो गलत कर रहा है, तो गुस्सा करने के बजाय उसे तरीके से बात, मेरे साथ ऐसे होता था ना, अगर मुझे शुरू में कोई डांट देता था मेरे फैमिली मेंबर ने या कोई भी डांट देता था कि तुम क्या फजूल काम कर रहे हो, ये काम करने वाला है, कोई और काम करो अच्छा सा, कोई इस तरह स्टडी पे फोकस करो, ये वो ठीक है बात सही कर रहे हैं, वो उम्र स्टडी की थी, तो उस टाइम पे ना मैं कुछ बोलता नहीं था, मेरी शुरू से आज तक मैंने खुद तुम्हें याद होगा, मैंने खुद बोला था कि पहले स्टडी पे ध्यान, मैं ना इस तरह बोलता नहीं था किसी के आगे, मैं अच्छा जी करके ना डिसहार्ट हो के अंदर दिल में मतलब रो रो के, तो मैं साइड पे ना बैठ जाता, मैं छोड़ देता था काम, नहीं कर रहा मैं ये काम, तो जिस तरह भी चल रहा है मैंने कहा मैं चलता रहता हूँ, लेकिन फिर जब मेरे जहन में आना शुरू हुआ ना कि यार ये कोई गलत चीज नहीं है, इसमें मैं कोई बुरा काम नहीं कर रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ दुनिया के सामने कर रहा हूँ, दुनिया को पता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, अगर वो होना कि जिस तरह और काम होते हैं नशों के काम, उन कामों में मैं हूँ ना यार, पता है मैंने एक नोटिस की है, मैं काफी यंग एज से मैं प्रोफेशनल लाइफ में आ गया था, तो मैंने ये चीज नोटिस की बिकॉज मैं काफी यंग एज में प्रोफेशनल लाइफ में आ गया था, तो मैं बहुत चीजों से बच गया, मेरे स्कूल फ्रेंड्स
काफी बैड हैबिट्स में चले गए, मैं शेयर नहीं करूंगा, आप सबको पता ही है कि आज लोगों को शौक पड़ जाते हैं आजकल। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर वालों को प्राउडली बोलता हूँ, इवन तो मेरे घर वाले प्राउडली बोलते हैं कि ये इसको सिर्फ वो आके मुझे बोलते हैं इसके दिमाग में ना सिर्फ ये चल रहा था कल वीडियो क्या बनानी है और इसके दिमाग में कुछ नहीं है। कल इवन तो मेरी मामा मेरी फुफ्फो से बात हो रही थी, मेरी कह रहे थे कि अब उम्र हो गई शादियां कर लो, मैं क्या एक यही काम के लिए आप लोगों पे यकीन किया होता वो भी हम पे डाल दिए फिर से यानी कि घर वालों पे इतना आप घर वालों यार मैं अगर कोई बड़ी एज का बंदा भी मेरी वीडियो देख रहा है इस टाइम में, मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप अपने बच्चों पे ट्रस्ट शो करेंगे ना, अगर आप अपने बच्चों पे एतमाद जाहिर करेंगे तो वो उसको तोड़ेंगे नहीं कभी, इतना मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ। मेरे घर वालों को मेरे पे एतमाद है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक उसको टूटने नहीं दिया। जब आप किसी भी अपने एतमाद की छड़ी किसी के हाथ में देते हो ना तो वो उसको एक तो उसको जिम्मेदारी जो है ना वो उस चीज की जिम्मेदारी वो उसको कभी झूठलाने नहीं देती उस चीज को, और ऐसा ही होना चाहिए लाइफ में अगर है ना। तो खैर अब जब मुझे समझ लग गई थी कि ये कोई ऐसा बुरा काम नहीं है जिसको मुझे कोई रोक के और मैं उस चीज से रुक जाऊं, तो फिर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। अब भी मुझे कहने वाले कहते हैं लेकिन मैं होता है ना अच्छा हाँ जी करके तो गुजर जाता हूँ, लेकिन उस चीज को मैं दिल पे नहीं लेता और आज मैं इधर खड़ा हूँ आपके सामने। बिल्कुल, और मेरी फैमिली का तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, एक बंदा नहीं ऐसा लिटरली कोई दूर का रिश्तेदार भी हो यार। मैं आपको बताता हूँ एक बात ना मुझे याद आई, अक्सर आपको ऐसे लोग भी मिलते हैं जो आपको आके कह रहे होते हैं कि बड़ी अच्छी वीडियो है बड़ा अच्छा काम करो, लेकिन पीठ भी हाँ नहीं 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 अच्छा। वो आपको कह इस तरह रहे होते हैं कि यार वीडियो मैंने देखी ऐसे, लेकिन उनका टोन ऐसी होती है पता चल रहा होता है कि वो तंज कर रहे हैं। नहीं मेरे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात मैं समझ रहा हूँ, कुछ लोग वो ऐसे लगता है यार हमें भी सिखाओ यार टिकटॉक कैसे बनाते हैं, यार मैंने भी बनानी है वो टिकटॉक, तो बंदे को पता लग रहा होता है। मैं मुझे ऐसे कोई कहना मैंने कहा आ जाओ यार कैमरा उठाओ मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सिखा, मैं ऐसे कर देता हूँ आओ यार बनाते हैं कैसे बनानी मैं आपको बताता हूँ, मैं उस चीज को फील नहीं कर रहा बिल्कुल ऐसे। तो लोग वो आएंगे और आके चले जाएंगे, लेकिन जब हम उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे ना तो वही लोग होंगे जो आपके आगे दूसरों को मिसाले दे रहे होंगे कि यार अच्छा पता है आपका कोई कजन आपको शुरू में टोंट कर रहा है और बाद में जब आप फेमस हो जाए या उसके फैन फॉलोइंग बढ़ जाए तो बाद में अपने ही कजनों को कह रहा था वो मेरा कजन है उसको तो देखते ना अच्छा अच्छा बात पे बात भी करते हैं क्या कहते हैं क्या ना खोल नवे कट्टे ना खोल तू नवे कट्टे ना मैं वैसे बात कर रहा हूं कि वो ऐसे करते हैं भाई ये तो कुछ भी नहीं है तुम मेरा वैसे मैं चलो अल्लाह अल्लाह झूठ ना बुलवाए और गरूर से नहीं बात कर रहा हूं मैं कि अल्लाह गरूर करना नहीं चाहिए की बात नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना नाम कमाया है अपनी इस फील्ड में जिस फील्ड में मैं था या हूं भी इतना नाम कमाया है कि बिलीव नहीं करेगा कहां कहां से मेरे लिए आए हैं ना पैगाम, मुझे पता है रिश्ते पैगाम बोल रहा हूँ रिश्ते नहीं बोल रहा पैगाम बोल रिश्ते पैगाम और नहीं रिश्ते पैगाम नहीं रिश्ते कभी नहीं नहीं यानी कि जो चल एक एग्जांपल देता हूँ एग्जांपल है सपोज रिश्ता मेरा कोई कजन है ठीक है और वो मुझे भाव नहीं देता बचपन से ठीक है और उसके सोच उसके कुलीग्स कह रहे हैं यार एक बार नवीन से मिलवा दे रिश्ते के लिए वैसे फोटो खिंचवा दे मतलब दिखाने के लिए अपने घर में रिश्ते के लिए इधर 30 मिनट की होगी वीडियो अच्छा जोक्स जोक्स पार्ट ये थी हमारी वीडियो तो इधर ही हम खत्म करते हैं। सॉरी अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं तो माजरत जिस बात में बह गए थे इधर उधर निकल के कहानी कहाँ इस वीडियो से पहले खड़ा नहीं हो रहा था यहाँ पर आने के लिए मैंने वीडियो नहीं बनानी थका हुआ था थोड़ी तबीयत डाउन है मेरी गो करो ना लेकिन जब बातें शुरू हुई तो फिर समा समा बंद गया। सो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ बहुत लंबी हमने कहानी अपनी शेयर कर दी, उम्मीद थी कि 10-15 मिनट की वीडियो बनाएंगे लेकिन जैसे मैंने आपसे वादा किया था एंड पे रिश्ता आ ही गया ना भाई कितनी जगह से रिश्ते आ रहे हैं देखो नहीं वैसे रिश्ते तो आए हैं लेकिन मेरे मुकाबले मेरी ना मेरी दादी ने मेरी बड़ी अच्छी बात की थी जाने से रिश्ता पक्का करके नहीं नहीं उन्होंने कहा था कि बच्चे वो कामयाब होने दो रिश्ते खुद ही कर लेंगे मोटिवेशनल वीडियो जो हमने ट्राई की कि शायद किसी के काम आ जाए जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं या जो कुछ करना चाह रहे हैं या जो भी किसी भी ऐसा नहीं कि आप इसी फील्ड में आना चाह रहे हो किसी भी फील्ड में जाना चाह रहे हो आप एडिटर बनना चाहते हो आप
फोटोग्राफर बनना चाहते हो, आप सिनेमेटोग्राफी करना चाह रहे हो, आप लैंडस्केप पोर्ट्रेट बनाना चाह रहे हो, आप पेंटर बनना चाह रहे हो, आप कुछ भी, आप कार मैकेनिक बनना चाह रहे हो, अपना शौक पूरा करो और जो करना है करो, हार नहीं माननी बस। सो गाइज दैट्स इट फॉर नाउ, दिस इज आवर वीडियो। इफ यू लाइक वॉचिंग आवर वीडियो प्लीज गिव अस अ बिग फैट थम्स अप। इफ यू वॉन्ट टू सजेस्ट अस समथिंग और यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट देयर इन कमेंट सेक्शन बिलो। आप हमें सजेशन दे सकते हैं, अगर आगे की वीडियोज के लिए आइडियाज देना चाहें वो दे सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, टिकटॉक, लाइक ही बेसिकली आई एम एवरीवेयर। सिंपली सर्च एन ए बी ए एल एस एच जेड डी एंड यू विल फाइंड मी। यू कैन ऑल्सो फाइंड हिम ZWSHUUFAM, अच्छा सॉरी, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड हिम ZWSHUUFAM एंड यू कैन फाइंड मी बेसिकली आई एम एवरीवेयर। एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब आर यूट्यूब चैनल। आफ्टर सब्सक्राइबिंग आर यूट्यूब चैनल, यहाँ पे चैनल्स के आइकन आ गए हैं, सब्सक्राइब कर लें। एंड आफ्टर सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल प्लीज रिंग द बेल फॉर नोटिफिकेशन, इट कैन हेल्प यू टू स्टे एक्टिव ऑन आवर यूट्यूब चैनल। यू कैन ऑल्सो क्लिक हियर टू सब्सक्राइब आवर, सॉरी यहाँ पे वीडियोज आई हैं, वीडियोज के चैनल लिंक आए हैं, वीडियोज देखें हमारी दूसरी। घर पे रहें, इंजॉय करें, फैमिली का टाइम स्पेंड करें। बाय, टेक केयर, पीस।